दोस्तों, एक ऐसी दुनिया है जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। डेली का काम बिना पानी के करने पर मजबूर है। कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें पीने तक का भरपूर पानी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है ना, अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों ना जाए, उन्हें परेशानी नहीं होती। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है दोस्तों। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ने जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए मशीन लगा दी है, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां जमीन के अंदर से पानी निकाला जा सकता है। और उन जमीनों से जितना भी पानी निकलता है उसे शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहां पर अमीर लोग रहते हैं। लेकिन गरीब लोग बेचारे गाँव में रहने पर मजबूर है। उन्हीं गरीब लोग में होम्स परिवार भी रहता है दोस्तों, जिसमें पिता अर्नेस्ट, माँ कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम शामिल है। बड़ी मुश्किल से यह परिवार गांव में अपना गुजारा कर रहा था। अर्नेस्ट की काफी बड़ी जमीन भी थी जिसमें उसके पिता खेती किया करते थे, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से अर्नेस्ट खेती नहीं कर पा रहा है। उसने सरकार से भी बात की कि मेरी जमीन अभी भी फर्टाइल है, यानी कि पानी मिले तो इस पर फसल उगाई जा सकती है। लेकिन किसी को भी अर्नेस्ट की बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए अर्नेस्ट खुद से ही जमीन खोद कर ट्राई करता है कि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो, उसे पानी मिल जाए जिससे उसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और फसल बेचकर वो पानी की कमी को भी अपने परिवार के लिए पूरा कर लेगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि अर्नेस्ट के खेत में जहां उसने पानी निकालने के लिए मशीन लगाई थी, वहां पर दो चोर आ जाते हैं जो उस मशीन को चुराने आए थे। अर्नेस्ट तुरंत ही गन लेकर वहां पहुंचता है और चोरों को जैसे ही पता चलता है कि अर्नेस्ट यहां पर आ चुका है, वो लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। पर दोस्तों, तभी वो चोर मौका देखकर अपने पास रखी गन निकाल लेते हैं ताकि अर्नेस्ट को शूट कर पाए। लेकिन अर्नेस्ट का पारा तो ऐसे चोरों से डेली पड़ता था, इसलिए वो तुरंत ही उनके शॉट करने से पहले ही गन चलाकर उन्हें वहीं पर ढेर कर देता है। देखा दोस्तों, ऐसा हाल हो गया है पानी के लिए कि एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं लोग। अर्नेस्ट अपनी मशीन को चेक करने आता है, लेकिन बेचारे को पता चलता है कि यहाँ से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वो भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि अब उसे दूसरी जगह फिर से गड्ढा खोदकर मशीन लगानी होगी ताकि वहाँ से पानी निकाला जा सके। अर्नेस्ट अब जेरोम के साथ वाटरमैन के पास जाता है। दोस्तों, वाटरमैन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि अंदर से पानी निकाला जा सके, और ये पानी शहर में सप्लाई किया जाता है। वैसे अर्नेस्ट इन लोगों को शराब या खाने पीने की चीजें डिलीवर करने का काम करता है। वो शहर से सारी चीजें अपने गधे पर लाद कर लेकर आता है और इन वाटरमैन को दे देता है। उन्हीं वाटरमैन में मैक्स नाम का एक आदमी भी शामिल है, जिससे अर्नेस्ट की थोड़ी अच्छी पहचान होती है। अर्नेस्ट मैक्स से कहता है कि देखो भाई, तुमने यहाँ बड़ी मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया है, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा खेत है जहाँ पानी आता था वैसे, लेकिन तुम्हारे यहाँ वो बड़ी मशीन लगाने की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी मेरे खेत को मिलता था अब वो भी बंद हो गया है। क्या तुम अपनी इन बड़ी मशीनों की लाइन दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते? मैक्स कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, तुम्हें बात करनी है तो तुम हमारे बॉस से जाकर कर सकते हो। अर्नेस्ट को पता होता है कि बॉस तो उसकी सुनने वाला है नहीं, इसलिए वो बेचारा अपना छोटा सा मुंह लेकर जेरोम के साथ घर आने के लिए निकल आता है। लेकिन जब इंसान की किस्मत खराब हो तो उसके साथ बुरी चीजें होने में टाइम नहीं लगता, ऐसा ही अर्नेस्ट के साथ भी हो जाता है। आते समय उसके गधे का पैर पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। बेचारा गधा प्यास से पहले परेशान था, टांग टूटने से उसको और तड़पन होती है, इसलिए अर्नेस्ट उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए मजबूरन उससे वही मार डालता है। दोस्तों, क्या करता बेचारा। इसके बाद वो एक ऑक्शन हाउस में आता है जहां पुराने रोबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। अर्नेस्ट ऐसे एक रोबोट को खरीदने आया था ताकि आगे से वो डिलीवरी का काम संभाल पाए। साथ ही ऑक्शन में फैलन नाम का बंदा भी रोबोट पर बोली लगाने आता है, लेकिन आखिर में अर्नेस्ट को वो रोबोट मिल जाता है, जिसे पाकर अर्नेस्ट और जेरोम बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो काम की चीज आई हाथ में। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ कैथरीन रहती है। कुछ समय पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी कैथरीन, इसलिए वो चल फिर नहीं पाती, इसलिए हॉस्पिटल में वायर के जरिए कैथरीन को रखा जाता है। वायर मतलब जो कैथरीन को चलने में मदद करते हैं। अब देखिए, अर्नेस्ट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो वायर का सिस्टम खरीद कर घर लेकर आ पाए, इसलिए वो और उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल में ही कैथरीन से मिलने आया जाया करते हैं। अब हॉस्पिटल के बाहर अर्नेस्ट की मुलाकात रॉबी नाम के बंदे से होती है, जो अर्नेस्ट का बढ़िया दोस्त है, काफी ज्यादा करीबी है। उसके पास तो रहने के लिए घर तक भी नहीं है, साथ ही वो दिमाग से भी थोड़ा कमजोर है, इसलिए अर्नेस्ट उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो रॉबी और उसके परिवार को दे देता है, क्योंकि भले अर्नेस्ट के पास भी पानी की कमी है लेकिन बंदे का दिल बहुत बढ़िया है यार। अब वहाँ से अर्नेस्ट जैसे ही घर आता है ना, उसके पास फैलन पहुँच जाता है जो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा रोबोट चाहिए, कुछ जरूरी काम है। अर्नेस्ट को पता था कि फैलन एक नंबर का बदमाश आदमी है, वो रोबोट वापस करने में नाटक करेगा, इसीलिए दोस्तों अर्नेस्ट रोबोट देने से साफ मना कर देता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फैलम और अर्नेस्ट की बेटी मैरी का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। अर्नेस्ट ने कई बार मैरी को समझाया कि वो फैलम से दूर रहे, वो अच्छा इंसान नहीं है,
लेकिन मैरी है कि सुनने को तैयार ही नहीं होती। फैलन की वजह से वो तो अपने पिता से भी नफरत करने लगी है। बताओ दोस्तों, माँ बाप कभी गलत होते हैं क्या? जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते उनके साथ तो बुरा होता ही है, कहीं मैरी के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। खैर आगे देखते हैं। अगले सीन में अर्नेस्ट एक और जगह गड्ढा खोद रहा होता है इस उम्मीद में कि शायद वहां से कुछ पानी निकल जाए, लेकिन बड़ी मशीनों के पाइपलाइन के कारण आसपास का पूरा इलाका सूखा पड़ चुका था, इसलिए अर्नेस्ट को यहां भी निराशा का सामना करना पड़ता है। साथ ही गड्ढा खोदने के दौरान अर्नेस्ट जेरोम से बात कर रहा होता है। वो कहता है, जब मैं शहर गया था वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जिसके बाल तो छोटे हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। तुम तो बेटा बड़े हो चुके हो, कहो तो तुम्हारी बात करवा दो उससे। मैं नहीं जानता कि इस हालत में हम कब तक जिंदा रह पाएंगे, इसलिए हमारे पास जो भी पल बचे उन्हें अच्छे से जी लेना चाहिए हमें। और दोस्तों ऐसे ही बाप बेटे आपस में बात करते हुए कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से बिताते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट जैसे ही घर आता है, मैरी उससे कहती है, मुझे पैसे चाहिए पापा, मैं फैलन के साथ जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। अर्नेस्ट कहता है, घुटन हो रही है? मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ देने की कोशिश की तुम्हें, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैरी तो ऊपर से जवाब देती है, कहती है, हम यहाँ पर जी नहीं रहे, सर्वाइव कर रहे हैं, और मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। अर्नेस्ट के लाख समझाने पर भी जब मैरी नहीं मानती तो अर्नेस्ट मैरी को कमरे में बंद करके खिड़कियों पर कीड़े लगा देता है ताकि वो फैलन से मिल ना पाए। अब अर्नेस्ट जैसे सप्लाईज देने के लिए शहर जाने वाला होता है तभी उसको पता चलता है कि रोबोट गायब है। ये देखकर उसकी हालत खराब और परेशान हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये काम तो फैलन के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। वो वहाँ से तुरंत वाटरमैन के पास आता है ताकि उनसे पूछ सके कि क्या फैलन यहाँ पर आया था कि नहीं। पर वहाँ पर आते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन मिलकर अर्नेस्ट पर धावा बोल देते हैं दोस्तों, और जमकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि तुमने हमारी सप्लाई चुराई जो हमारी मेहनत की कमाई थी, जिसे तुमने शायद कहीं और बेच दिया होगा। अर्नेस्ट कहते हैं, अरे ये क्या कह रहे हो तुम, मैं खुद यहाँ तुमसे पूछने आया था कि क्या फैलन मेरा रोबोट लेकर यहाँ आया था या नहीं, लेकिन उल्टा तुम लोग मुझे मार रहे हो। दोस्तों अर्नेस्ट यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर फैलन ने शहर से मेरे बदले सप्लाई ले ली और उसे वाटरमैन को देने के बजाय चुरा कर कहीं और लेकर चला गया। इसलिए दोस्तों अर्नेस्ट जैसे तैसे वाटरमैन से पीछे छुड़ा कर फैलन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो उसे मिल भी जाता है। साथ ही अर्नेस्ट का शक भी सही था, उसने ही सप्लाई चुराई थी दोस्तों, जिससे वो बड़े आराम से खा पी रहा था। इसलिए अर्नेस्ट गन पॉइंट पर लेकर फैलन को डरा देता है और उसे वाटरमैन के पास ले जाने लगता है, ये बताने के लिए कि सप्लाई मैंने नहीं फैलन ने चुराई थी। आगे बढ़ते हुए दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, अर्नेस्ट सबसे ज्यादा थक चुका था और साथ ही साथ उसका पानी भी खत्म हो चुका था। इसीलिए दोस्तों फैलम अर्नेस्ट को बहकाने की कोशिश करता है कि मैंने सप्लाईज की थोड़ी शराब पी ली थी और थोड़ी बची है, मेरी मानो तो बची हुई शराब हम दोनों आधा आधा बांट कर पी लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटरमैन क्या करेंगे, मुझे मारेंगे ही ना, लेकिन अगर हमने पिया नहीं तो हम प्यास से जरूर मर जाएंगे। इस पर अर्नेस्ट मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो फैलम को रस्सियों से आजाद करता है फैलम उस पर ही हमला कर देता है। बेचारा अर्नेस्ट पहले से ही थका हुआ था और मार खाने की वजह से उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद तो फैलम जबरदस्ती बाकी सारे शराब अर्नेस्ट के मुंह में डाल देता है ताकि जब वाटरमैन उसे देखे तो उन्हें यकीन हो जाए कि अर्नेस्ट ने ही सप्लाई चुराई थी और उसी ने उनके शराब पी ली। इतना ही नहीं दोस्तों, फैलम अर्नेस्ट को मार मार कर रोबोट के साथ ही रस्सी से उसको बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रोबोट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अर्नेस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। और होता भी ऐसा ही है, बेचारा अर्नेस्ट मारा जाता है दोस्तों, और सभी लोगों को लग रहा था कि रोबोट ने अर्नेस्ट की जान ली। दोस्तों हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है यार। अगले सीन में जेरोम अपने पिता को खोने के बाद बहुत उदास बैठा होता है। वो सारा गुस्सा रोबोट पर उतार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तो उसने ये मान लिया है कि रोबोट ने ही उसके पिता की जान ली, लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तब वहाँ पर फैलम आकर जेरोम से कहता है, रोबोट को तोड़कर क्या मिलेगा, ये आगे चलकर हमारे ही काम आएगा, इसलिए इसको तोड़ो मत, और तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे परिवार को संभाल लूंगा, तुम्हारे और मेरे का अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। पता हो दोस्तों कातिल मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फैलम मैक्स के पास आकर कहता है, मुझे पानी की एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है, मैं क्या तुम्हारा कोई नौकर हूं, जो तुम कहोगे और मैं कर दूंगा। तो फैलम उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें मानना पड़ेगा दोस्त, मानना पड़ेगा। वो दोस्तों उसका चाकू दिखाते हुए कहता है, ये चाकू तो याद है तुम्हें, उस दिन जब सप्लाईज लेकर तुम लोगों ने अर्नेस्ट पर हमला किया था, तब ये चाकू अर्नेस्ट ने तुमसे ले लिया था और मुझे ये चाकू उसकी बॉडी के पास मिला जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। सभी जानते हैं कि मरने से एक रात पहले सरप्राइज लेकर तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी, तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जाकर सभी को ये बात बता देता हूँ कि लड़ाई के दौरान तो मैक्स अर्नेस्ट को नहीं मार पाया, लेकिन अगले दिन जब उसे मौका मिला तो उसने अर्नेस्ट को मार दिया और आरोप डाल दिया रोबोट पर। यह सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फैलम की बात मानते हुए कंपनी से छुपाकर एक सीक्रेट पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत में चालू करवा देता है, जिससे दोस्तों खेत को पानी मिलना शुरू हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पर फिर से खेती हो सकेगी। फैलम दोस्तों डेली हल जोतता है ताकि फसल उगा पाए। देखते देखते उसकी मेहनत रंग ला जाती है और खेती में चारों तरफ फसल उगने लग जाती है, जिसे देखकर जेरोम और बाकी सभी बड़े खुश होते हैं। साथ ही फैलम और मैरी
रिलेशनशिप में भी थे, जिस वजह से मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी से फेरम बड़ा खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी याद आ रहा था कि ये सब अर्नेस्ट का था जो उससे मैंने छीन लिया। आज वो जिंदा होता तो ना ही मैरी से उसकी शादी होती और ना ही ये खेत उसे मिलता। अर्नेस्ट के मरने के बाद फेलम ने उसकी सारी चीजों को दोस्तों अपना लिया होता है, लेकिन ये इंसान यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। अभी आप इसके पाप देखिए कितना करता है ये। अगले सीन में बैंक से कुछ कर्मचारी आते हैं जो फेलम के पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात बताते हैं कि जमीन पर तुम्हारी फसल होगी है, उस जमीन को अर्नेस्ट ने गिरवी रखा था, वो तो मर गया, इसलिए अब ये जमीन बैंक की होती है और इसमें जो फसल होगी है वो भी बैंक के पास ही जाएगी। फेलम कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी जब यहाँ पर फसल नहीं उगी थी उस समय, और अगर तुम पहले बता देते तो मैं कोई दूसरी जमीन देख लेता। लेकिन दोस्तों बैंक वाले नहीं मानते, वो कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो इस जमीन को तुम भूल जाना। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। फेलम तो परेशान हो चुका था कि अर्नेस्ट ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, बेकार ही कहेगा, जमीन तक गिरवी रखिए बताओ, अब पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा। बताओ दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, अब फेलम जेरोम से कहकर रोबोट ले जाने लग जाता है। वो कहता है मैं रोबोट को बेचने जा रहा हूँ ताकि इससे मेरे पैसों से बैंक वालों का उधार चुका पाऊँ। लेकिन दोस्तों फेलम शरीफ आदमी नहीं था, वो रॉबी के पास आता है, वही रॉबी दोस्तों जो काफी ज्यादा गरीब है, और वो उसे बहाने से साथ में ले जाता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। इसलिए बेचारा रॉबी अपने बच्चे को लिए फेलम के साथ चला जाता है। लेकिन मैंने कहा था ना दोस्तों, फेलम के पापों का घड़ा भरा नहीं है, वो धोखे से बेचारे रॉबी के बच्चे को बेच देता है, जिनसे मिले पैसों को वो बैंक वालों को दे देगा। अब इसकी खबर जैसे रॉबी को लगती है, वो फेलम से झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर फेलम ने बच्चे को बेचा था वहाँ झगड़ा वगैरह करने का रोल नहीं होता, बच्चा बिक गया तो डील कभी नहीं टूटेगी, इसलिए वो बदमाश लोग रॉबी को शूट करके मार देते हैं दोस्तों। साथ ही वो फेलम को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि फेलम रॉबी की परमिशन के साथ उसके बच्चे को बेच रहा है, इसलिए फेलम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दोस्तों वहाँ से भाग ही जाता है। साथ ही वो रोबोट को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे जेरोम को भी तो बताना है कि ये पैसे बच्चे को बेच कर नहीं बल्कि रोबोट को बेच कर आए हैं। क्या कहें दोस्तों, कितना बुरा आदमी है यार फेलम। तभी तो दोस्तों अर्नेस्ट अपनी बेटी मैरी को मना कर रहा था इसके साथ रहने के लिए। अगले सीन में बैंक को पैसा देने की वजह से जमीन फिर से फेलम की हो जाती है, तो वहीं रोबोट आगे बढ़ते हुए अपने ओरिजिनल ओनर के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि जब वो बदमाश लोग फेलम और रॉबी को शूट कर रहे थे तो कुछ गोली रोबोट को भी लग गई थी, जिससे हुआ ये कि रोबोट की डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई, और इसीलिए वो अपने ओरिजिनल ओनर के पास जा रहा है जो कि शहर में रहता है, और ओनर का नाम है केल्विन। वो जैसे उस रोबोट को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये किसका रोबोट घूमकर वापस मेरे पास आ गया। उस रोबोट पर दोस्तों अर्नेस्ट का नाम लिखा हुआ था, इसलिए केल्विन रेडियो के जरिए अर्नेस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वो आगे आए और अपने रोबोट को वापस लेकर जाए। जेरोम तो जैसे ही रेडियो को ऑन करता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि फेलम ने तो कहा था कि उसने रोबोट को बेच दिया, अब ये केल्विन बता रहा है कि रोबोट उसके पास है। इसलिए दोस्तों वो डिसाइड करता है कि अगर केल्विन रोबोट वापस देना चाहता है तो कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर उसको ले लेता हूँ। अगले सीन में जेरोम को रॉबी की पत्नी दिखाई देती है, जो रॉबी और उसके बच्चे के वापस आने पर सदमे में जा चुकी थी। वो एक गुड़िया लेकर रॉबी और अपने बच्चे के आने का इंतजार करती है। सच में दोस्तों बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ ना, एंड इस चीज को देखकर जेरोम को लगता है कि जरूर कुछ तो बात है जो फेलम छुपा रहा है, जिसके बाद वो शहर के बॉर्डर पर आता है, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से गार्ड्स उसे शहर में जाने नहीं देते। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अना है, वो जेरोम से कहती है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शहर भिजवा सकती हूँ, वो भी बहुत कम पैसों में। जेरोम जैसे ही अना को देखता है तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वो हूबहू वैसी होती है जैसा कि अर्नेस्ट ने उसे छोटे बालों वाली उस लड़की के बारे में बताया था। याद है दोस्तों, जब अर्नेस्ट जेरोम से कह रहा था कि तुम्हारी शादी कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं तुम्हारी, तो दोस्तों जेरोम उससे फिर अर्नेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो जानती नहीं अर्नेस्ट को। जेरोम भी आगे कुछ नहीं कहता, और इसके बाद वो जेरोम को शहर तक जाने वाले सामान की गाड़ी में छुपा कर बैठा देती है, और उसकी मदद से जेरोम शहर पहुंच जाता है। अब शहर आने के बाद जेरोम केल्विन से मिलता है, जो उसे उसका रोबोट वापस कर देता है। रोबोट को जो गोलियां लगी थी केल्विन ने उसे भी रिपेयर कर दिया था, साथ ही उसने रोबोट की सेटिंग भी सही कर दी थी। तब जेरोम जैसे ही रोबोट को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि इसमें तो कैमरा लगा हुआ है जो कि लेजर बीम की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो साफ रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन इतनी क्लियर जरूर होती है कि उसे देखा जा सके, और तब उन वीडियोस में जेरोम को उसके अर्नेस्ट के साथ बिताए हुए पल दिखाई देते हैं जिन्हें रोबोट ने रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हीं वीडियो में दोस्तों वो वीडियो भी होती है जब फेलम अर्नेस्ट को मार रहा था और रस्सी से बांध कर उसे रोबोट के साथ जोड़ दिया था। इस चीज को देखकर जेरोम को एकदम से सदमा लगता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका था कि उसके पिता का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि फेलम की सोची समझी साजिश थी, इसलिए वो रोबोट को लेकर वापस घर आ जाता है। और आते फेलम को ये नहीं बताता कि उसको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि अगर मैरी को मालूम पड़ा कि ये सब फेलम ने किया तो वो तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। इसलिए जेरोम एक प्लान बनाता है,
वो फैलम से कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना कि रॉबी तुम्हें बुला रहा है। अब ये सुनकर फैलम परेशान कि रॉबी तो मर चुका है, ये कौन सा रॉबी बुला रहा है। इसलिए वो कहता है कि शायद वो कोई दूसरा फैलम होगा जिसके लिए वो रॉबी बोल रहा है। अब प्लान फेल होता देख कर जेरोम एक लेटर लिखता है फैलम को, ताकि फैलम को ऐसा लगे कि ये लेटर रॉबी ने भेजा है और वो उसे उसी जगह पर बुला रहा है जहाँ पर अर्नेस्ट मरा था। लेटर देखकर फैलम समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही पड़ेगा। इसीलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अर्नेस्ट को मारा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर बना हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता और गलती से वो उसे गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ गिरने से उसका पैर टूट चुका था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तब वहाँ पर जेरोम गन लेकर आता है। उसे इतने गुस्से में देखकर फैलम समझ जाता है कि जेरोम को सब कुछ पता चल चुका है और ये सारा प्लान जेरोम का ही था। तो फैलम जेरोम को बहलाते हुए कहता है, देखो जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो मैंने मैरी और तुम्हारे कितना अच्छे से ख्याल रखा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन जेरोम उसकी एक नहीं सुनता और सीधे फैलम को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो रोबोट की मेमोरी भी रेज कर देता है ताकि कभी मैरी ये सब कुछ देख ही ना पाए। वो नहीं चाहता कि मैरी कभी कुछ इसका सच जाने। कुछ दिन गुजर चुके थे, फैलम के घर न आने पर मैरी बहुत परेशान होती है। जेरोम कहता है कि वो अच्छा इंसान कभी था ही नहीं, तुम्हें छोड़कर वो भाग गया। और ये सुनकर मैरी एकदम उदास हो जाती है और अपने दिल से फैलम के लिए प्यार खत्म कर देती है। दोस्तों उल्टा वो उससे नफरत करने लगती है। जेरोम ने बड़ी शांति से अपना बदला ले लिया। इसके बाद जेरोम और मैरी घर चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि खेत उन्हें मिल चुका था, उन्हीं फसल को बेच कर वो पैसे जमा करेंगे ताकि अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।